शेड्यूल प्रभावित होगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जरूर मैचेस यहाँ आईपीएल के धर्मशाला में कि आईपीएल जैसा कि आप आपको जैसा पता है कि इस बार जनरल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं अप्रैल मई में, और वही टाइम होता है जब हम आईपीएल का आयोजन करवाते हैं, तो इसीलिए कुछ संशय की स्थिति है कि अप्रैल मई में कैसे उसका शेड्यूल घोषित किया जाए। इसी कारण से ये तय किया गया है कि पहले लगभग दो हफ्ते का शेड्यूल तय कर दिया जाएगा, और जब इलेक्शन का शेड्यूल मार्च में आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि अप्रैल और मई में किस जगह पे किस स्टेट में कब इलेक्शन होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये तो क्रिकेट ग्राउंड में नेशनल गेम्स हो ही रही हैं, बहुत से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारे मैचेस यहाँ आयोजित पहले भी किए जा चुके हैं। देखिए वुमेन आईपीएल जैसे आपको पता है पिछले साल ही शुरू किया गया था, पहली बार शुरुआत हुई थी तब सब मैच बॉम्बे में किए गए थे दो तीन स्टेडियम्स में। इस बार जैसे कि पांच टीमें इस बार ये तय किया गया कि लगभग ज़्यादा नहीं तो दो सिटीज़ में उसको किया जाए, इसलिए तय किया बीसीसीआई ने कि बेंगलोर और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होता आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में, उन विकेट्स को आईपीएल के लिए भी ताकि वो फ्रेश रहें विकेट्स, तो उसको नज़रिए में रखते हुए दो जगह आयोजन किया जा रहा है। तो पहला उसका शुरुआत जो होगी वो बेंगलोर से होगी, और उसके बाद उसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। आईपीएल हिमाचल में पहले तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वर्ल्ड कप के पाँच मैच मिले और अब टेस्ट मैच आयोजित होने जा रहा है। जैसा मैंने बताया हमारा कोशिश रही, पिछली बार भी 10 साल बाद आईपीएल के मैच आयोजित किए गए थे धर्मशाला में, इस बार भी प्रयास रहेगा। लेकिन क्योंकि इस बार जनरल इलेक्शन भी है तो कई स्टेट इलेक्शन में जाएंगी, उसके कारण शेड्यूल प्रभावित होगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ज़रूर मैचेस यहाँ आईपीएल के धर्मशाला में।